मैं अब 20 साल की हो गई हूँ और ये मेरी टीनेज लाइफ के लिए अलविदा है। मलाला डे जो है ये हर बच्चे और बच्ची का दिन है, और पिछले सालों में मैंने ये दिन नाइजीरिया, लबनान और जॉर्डन, केन्या में अब उन बच्चों के साथ मनाई जो तालीम से महरूम है। और इस साल मैंने फैसला किया कि मैं कुर्दिस्तान आऊँगी और उन बच्चों के लिए बोलूँगी जो कि इराक़ से या सीरिया से दूसरे इलाकों से बेघर हुए, और तालीम में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। और उसके अलावा मैं पाकिस्तान में सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप तालीम पे फोकस करें। हुकूमत से ख़ास तौर पर मुतालबा करना चाहूँगी कि वो जिन्होंने वादा किया था कि वो बजट में 4% इंक्रीज़ करेंगे तालीम के शोबे में, तो वो वादा पूरा करें। तमाम वालदेन से, हमारे जो बड़े हैं इनसे कहूँगी कि अगर आप बच्चों को अगर एक बड़ी चीज़ आप दे सकें तो वो तालीम है। और बच्चों और बच्चों से ही कहूँगी कि आप ख़ुद पर यकीन करें, तालीम हासिल करें और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करें। आप में इतनी पोटेंशियल है, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और आप ही की वजह से ये मुल्क कामयाब होगा।